नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 11 राजस्थान जनता की आवाज चैनल पर। इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई की 60 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग से बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड 10 मिनट तक ग्रिल से लटकता रहा। 19वें फ्लोर से गिरकर हुई मौत। साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में शुक्रवार को दिन के करीब 11:51 पर एक 60 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के मुताबिक करी रोड इलाके की 60 मंजिला अविदना पार्क बिल्डिंग में सबसे पहले 19वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें कुछ ही पलों में 17वें फ्लोर से 20वें फ्लोर तक फैल गई। वही जांच में सामने आया कि आग लगने के बाद बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड फ्लैट में घुसा था, लेकिन आग की लपटें ज्यादा भड़कने के बाद वह उसमें फंस गया एवं अपनी जान बचाने के लिए ताबड़तोड़ बालकनी में जा पहुंचा और वहां से उतरने के चक्कर में ग्रिल से लटक गया। अपनी जान बचाने के लिए करीब 10 मिनट तक अथक प्रयास करता रहा। इसी दौरान उनके हाथ छूट गए। ऊंचाई से गिरने के बाद उसे KEM हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर पहुंची। BMC कमिश्नर इकबाल सिंह सहल ने कहा कि आग में फंसे हुए सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल दिया गया है। आसपास के फायर ब्रिगेड स्टेशनों से 15 दमकलों की सहायता से 2.5 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का काम जारी है।